नमस्कार दोस्तों, मैं कमल कुमार आपके लिए लेकर आया हूं आज ये वीडियो, जिसमें कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये हैदराबाद के नेकलेस रोड पर जो पीपल्स प्लाजा जो जगह है, वहां पर ये प्रदर्शनी लगी है जिसका नाम है विंटर उत्सव 2019। तो ये इसका बाहर का हिस्सा है। यहां पर हेड 50 रुपीज़ की टिकट है। यहाँ पर आप टिकट लेकर के, ये इसकी एंट्रेंस है, एंट्रेंस में आप जा सकते हैं। ये इस तरीके से ये बनाया गया है और अंदर क्या क्या है चलिए वो भी देखते हैं। संडे का दिन है, बहुत सारी पब्लिक आई हुई है। ये एंट्रेंस, और यहाँ से निकलते ही सबसे पहले सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। ये देखिए सामने अब्दुल कलाम जी के साथ बच्चे फ़ोटो खिंचवाते हुए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसके बाद थोड़ा आगे जाने के बाद रोबोटिक मॉडल्स बनाए गए हैं जानवरों के। ये देखिए पांडा कैसे हिल रहा है। थोड़ा आगे चलिए, ये देखिए उड़ने वाला घोड़ा, ये इसके पंख भी लगे हैं। इस घोड़े को देखिए, बच्चों में काफ़ी आकर्षण का केंद्र ये जगह रही है। ये देखिए जिराफ, इसकी गर्दन भी आप देख सकते हैं कैसे हिल रही है। इस जगह पर काफ़ी कोलाहल है, बहुत भीड़ है, बच्चे बहुत उत्साहित है देखने के लिए। ये देखिए गैंडा, इसकी भी गर्दन आप देख रहे हैं इधर उधर, और पीछे जेबरा घास खाता हुआ दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं आप कितनी भीड़ है यहाँ पर। इसके साथ ही एक विशालकाय अजगर पेड़ से लिपटा हुआ घूम रहा है। ये देखिए किस तरह से अपनी गर्दन को इधर से उधर कर रहा है, और इसकी बाएं तरफ देखें तो 3 बड़े बड़े हाथी, उनके कान और सूंड हिल रही है। ऊपर जो आकृति बनी हुई है मनुष्य की, उनके भी हाथ पैर ऊपर नीचे हो रहे हैं। ये सभी रोबोटिक मॉडल्स बनाए गए हैं। सभी लोग यहाँ पर सेल्फियाँ खींच रहे हैं, देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और ये देखिए दाएं तरफ ये ऊँट, ऊँट के साथ में आप देख सकते हैं ये बारहसिंगा गर्दन हिलाता हुआ, और इसके साथ ही पाषाण काल के स्टैचू दिखाए गए हैं आदि मानव। ये देखिए आग में गोश्त पकाते हुए, पीछे छोटे छोटे बच्चे, और इसके साथ ही ये दो हिरण। और थोड़ा आगे जाएं तो एक कंगारू है। यहाँ पर सभी लोग व्यस्त हैं अपने अपने सेल्फी लेने में, फ़ोटो खींचने में। ये देखिए कंगारू। और थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ पर दिखता है एक भालू, कोई कोई इसे रीछ भी कहते हैं, दो नाम है इसके। ये देखिए बच्चे काफ़ी खुश हैं ये सब देखते हुए। और इसी के साथ में थोड़ा आगे चलते हैं तो ये देखते हैं एक बाघ, राष्ट्रीय पशु है हमारे भारत का बाघ, ये देख सकते हैं आप, इसकी भी गर्दन कैसे हिल रही है, एकदम सजीव प्रतीत होता है। और थोड़ा आगे जाते हैं तो आपको मिलता है बब्बर शेर, ये देखिए काफ़ी अद्भुत
नज़ारा है यहाँ पर। इस भीड़ में चारों तरफ सभी लोग कैमरे निकाल कर फ़ोटो खींचने में लगे हैं। ये देखिए, देख सकते हैं आप, बच्चों में खासकर ज़्यादा खुशी है और इन सब से बाहर जब निकलते हैं तो बाहर एक बाज़ार लगा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर आपको कपड़े मिल रहे हैं, लेडीज़ कपड़े, सूट, दुपट्टे, रेडीमेड, और इस बाज़ार में आपको घर की ज़रूरत की सभी चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, कपड़े की दुकानें यहाँ पर ज़्यादा हैं, रेडीमेड कपड़े, वो भी लेडीज़, बहुत दुकानें यहाँ पर फिक्स रेट लगाए हुए हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, बाएं तरफ देखिए बेडशीट्स, ये सारा जो देख रहे हैं शीशे की चीज़ें हैं, ये बेडशीट, चादरें हैं, ये देख सकते हैं आप, ये बाज़ार यहाँ पे सजा हुआ है। और बच्चों के खिलौने की भी बहुत सारी दुकानें यहाँ पर खुली है, 50 रुपये से लेकर स्टार्ट है यहाँ पर खिलौने, ये जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर आपको हर प्रकार के खिलौने मिल रहे हैं, ये देखिए, ज़्यादातर खिलौनों में पबजी की गने, जो गन्स है वो ज़्यादा आपको दिखाई देगी। ये देखिए, आजकल पबजी का बड़ा क्रेज़ है, कॉल ऑफ ड्यूटी का बड़ा क्रेज़ है, ये गन्स बच्चों में बहुत ही लोकप्रिय है, और छोटे बच्चों में डोरेमन वगैरह जो है, कार्स, ये पूरी खिलौनों की यहाँ पर दुकान है। दुकान के पास आने के बाद तो बच्चे आगे जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर ये लेडीज़ आइटम्स की दुकान है, जहाँ पर आपको ये बैंड्स, क्लिप्स वगैरह सब, ये सब जो आप देख रहे हैं 10-10 रुपये में सब मिल रहा है फिक्स्ड रेट। सामने जो लगा हुआ है थोड़ा दिखा दें आपको, ये देखिए ईयरिंग्स, बहुत बड़ी रेंज ईयरिंग्स की इन्होंने यहाँ लगा रखी, बहुत ही सुंदर सुंदर। आप आइए और मेरी ये वीडियो भी देखते रहिए, और इस प्रदर्शनी में आप आकर खुद भी यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं आप। ₹30, ₹50, ₹40, अलग अलग प्राइस के यहाँ पर ईयरिंग्स है। और ये ख़रीदारी करते हुए लोग भी आप देख रहे हैं, और यहाँ पर घर की सजावट के सामान भी है। ये देखिए, जैसे ये कलाकृतियाँ हैं, ये आप घर में सजा सकते हैं और भी खूबसूरत आपका घर लगेगा। देखिए ये कलाकृतियाँ, बस आपको यहाँ पर फर्नीचर ही नहीं मिलेगा, बाकी सभी आपको ये सामान मिल जाएगा। ये बच्चों के कपड़े देखिए, और यहाँ पर खाने पीने का भी पूरा प्रबंध है, ये वेजिटेरियन स्टॉल है, यहाँ पर आपको पाव भाजी, गोलगप्पे, छोले भटूरे सब कुछ मिल जाएगा खाने के लिए, चाट आइटम्स। और दूसरी तरफ नॉनवेज का भी फुल इंतज़ाम है, कबाब, चिकन वगैरह हर चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है। ये देखिए, कितने भी सैलानी यहाँ आए हुए हैं, सब कुछ है, सब खाने पीने में लगे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये सामने पीछे जो आप देख रहे हैं वहाँ नॉनवेज का स्टॉल है, और ये जो स्टॉल है ये वेजिटेरियन स्टॉल है, तो आप चाहे तो वेज खा सकते हैं या नॉन वेज। आइए,
व्यंजनों का लुत्फ़ उठाइए, और साथ ही बच्चों के लिए ये जो लास्ट में झूलों वाला हिस्सा है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के झूले हैं। ये देखिए जैसे ट्रेन है, बच्चे यहाँ पर बहुत आनंद ले रहे हैं, आप देख सकते हैं। कई प्रकार के यहाँ झूले हैं, लेकिन आपको हर झूले के लिए अलग से पे करना पड़ेगा। एंट्री फीस 50 रुपये, बाकी सब जो भी आप खर्चा करें आपके ऊपर है। आइए आप ये प्रदर्शनी देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर, और आपको भी आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो हैदराबाद का ये विंटर महोत्सव 2019 आप यहाँ पर आके देख सकते हैं, जो कि नवंबर तक है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।